धनतेरस के अवसर पर मनीष कश्यप को मिला मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। आखिरकार महीनों बाद रंग लाई बेबस मां की मांग। त्योहारों के शुरू होते ही घर आई खुशहाली। सरव विहार के घर भी मनाई जाएगी इस बार खुशियों वाली दिवाली। आज मनीष कश्यप के मामले में एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। उसके बाद न केवल मनीष कश्यप के घर में बल्कि पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां छाई हुई है। आपको बता दें कि जेल में बंद बिहार के लाल ने और उनके परिवार ने तकलीफों का पहाड़ झेला है। अब आखिरकार त्योहारों के शुरू होते ही उनकी झोली में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आ गिरा। आज उनके बेटे के सिर से NSA का वो दाग हट गया जिसे हटाने की जद्दोजहद में एक मां ने हर वो नामुमकिन प्रयास किया और साबित किया कि एक मां चाहे तो अपने बेटे को यमराज के मुंह से तक खींच लाए। तो ये कौन सी जंग थी जहां इस दुनिया के लोगों से लड़ना था। जानकारी के लिए बता दें कि आज धनतेरस के अवसर पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मनीष कश्यप को मिला है और यह आशीर्वाद उन पर लगे NSA जो कि सबसे बड़े आरोप थी उसे हटाकर मिला है। आज न केवल एक मां का दिल खुशियों से भावुक हुआ है बल्कि बिहार के और उन तमाम देश भर के समर्थकों में भी खुशियां ही खुशियां छाई हुई है। करीब 8 महीनों बाद इस तरह से मनीष कश्यप के मामले में सबसे बड़ी खबर ये बताई जा रही है। और आपको याद दिलाते चलें कि मनीष कश्यप जब जेल गए थे उन पर NSA लगा था। उस वक्त उनका हौसला अफजाई करने के लिए जनता सबसे आगे थी और उनका हमेशा से ये कहना था कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। आखिरकार वही हुआ कि कोई सत्य को पराजित नहीं कर सका है। बेशक काफी परेशानियां मनीष कश्यप को झेलनी पड़ी है। जेल में उनके रहने से मनीष कश्यप कमजोर नहीं हुए हैं बल्कि अब जेल से वापस लौटेंगे तो बिहार के बेटे अब बिहार के शेर बनकर और भी दहाड़ेंगे। बीते दिनों लगातार हर कोई सवाल कर रहा था कि आखिर बिहार का लाल मनीष कश्यप कब वापस आएगा, कब उन्हें वापस देखने का मौका मिलेगा और कब उन पर से झूठा लगा NSA का आरोप हटेगा और कब उन्हें न्याय मिलेगा। इन सारे सवालों का जवाब आज धनतेरस के शुभ अवसर पर लोगों को मिल चुका है जहां मनीष कश्यप पर लगे आरोप NSA को हटा दिया गया है। अब वो न्याय मिलने वाला है उन्हें और इस न्याय की खुशी इस वक्त हर कोई मना रहा है। सबसे ज्यादा खुशी उनकी मां को है जो अपने बेटे से महीनों तक दूर रही, अपने बेटे को देखने और उनसे बात करने के लिए तरसती रही। ऐसे मां को हर कोई सलाम कर रहा है, साथ ही उस बेटे का इंतजार कर रहा है कि कब वो अपनी मां से मिलेगा और कब दोबारा से बिहार का भविष्य बदलेगा। साथ ही आपको बता दें कि समाज में मनीष कश्यप एक उदाहरण बन गए थे जहां पर जब वो जेल गए थे हर कोई जानता था कि उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने उनकी इंसाफ की लड़ाई लड़ी है जो अपने ये आवाज नहीं उठा सकते। वो उनसे सवाल पूछा करते थे जहां पर जवाब उन्हें नहीं मिलता था और शायद यही उनकी गलती थी जिसके कारण वो जेल गए थे। लेकिन अब आखिरकार जब वाकई उन्हें सच्चाई और अच्छाई की जीत प्राप्त हुई है उसके बाद ये तय हो गया है कि आने वाले समय में मनीष कश्यप इसी तरह समाज के लिए लोगों के लिए काम करते रहेंगे क्योंकि वही जनता है जिन्होंने अपना भरोसा मनीष कश्यप बिहार के बेटे पर बनाए रखा है।